हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम टू स्टडीज स्वे जॉय सो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेटिव एंड एन वर्ब्स अब वर्ब्स के बारे में तो सब लोग जानते ही है क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा है बट वॉट आर ट्रांसटिव एंड इन वर्ब्स ये हम लोग आज करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और ये वर्ब्स के टाइप्स के में ये सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट है सो so, आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट करेंगे एकदम डिटेल में आज हमें समझाने वाला बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ और साथ ही साथ हम लोग एक एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड ट्रांसीटिव एंड ट्रांसीटिव वर्ब्स को आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेगा एंड तक सुनेगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और लाइक करना भी मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ सो so, अब आज हम लोग वर्ब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है ट्रांसेटिव वर्ब्स और इन ट्रांसलेटिव वर्ब्स अब जब हम लोग वर्ब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है अब आप लोग बोलोगे कि वर्ब क्यों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमेशा हम लोग हम लोग हमेशा से हम लोग को पता है वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स ये आपको सिखाया गया है बट फिर भी एक बार रिविजन कर लेते हैं वॉट आर वर्ब्स वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स Which shows any action. Okay, so what are verbs? Verbs are action words. Is uh, a Common sense. Ab, verbs are divided into many types. Verbs ko types pe divide kiya. Five types. Aaj hum log transitive. Second hai, intransitive. Third hai finite. Fourth hai non finite. Fifth hai, incomplete verbs. That are also called as complements. So, again, which are the five types of verbs? Transitive, intransitive, finite, non finite, and complements. Again, transitive, intransitive, finite, non finite, incomplete verbs, complements. Today, we are going to study about transitive and intransitive verbs. So, today, we are going to study about transitive and intransitive verbs. About finite and non finite, I have told in my. Uh, अनदर वीडियो दैट वॉज अबाउट पार्टिसिपल्स जीवर एंड आवर इटि दैट वीडियो आई हैोल्ड दैट नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ही तीन टाइप होते हैं पार्टिसिपल्स जीवन एंड इनपनेटिस् और मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए आप जाके वो ज़रूर देखना तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसिटिव और इन वर्ब्स के बारे में और बहुत डिटेल में उसको समझेंगे कि ये क्या होता है इसमें क्वेश्चन बेस्ड कैसे आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दूंगा जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से एक आइडिया मिलेगा और कुछ पॉइंट्स भी मैं बताऊँगा जो आपको याद रखने होंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांसेटिव वर्ब्स को एक सिंपल लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड

वर्ब आपको सबको पता होगा एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस का और ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा तो यहाँ पर वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट है मतलब जो, है, पर पर है, जो आ, है, है, वर्ब है यानी कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है ही रोट अ पोयम यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो है ही वर्ब है रोट एंड ऑब्जेक्ट इज पोयम यस एंड यहाँ पर वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिया गया है डेट इज़ पोयम सो वर्ब रोट उसके लिए ऑब्जेक्ट मतलब उसने क्या लिखा तो वो है पोयम सो दे इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हियर एंड ऐसे वर्ब्स जिन्हें चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स समझ में आ रहा है तो कोई भी सेंटेंस में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आइडेंटिफाई द वर्ब इज़ अ ट्रांसीटिव और इन ट्रांसीटिव तो आपको देखना है कि वो जो वर्ब है उसका एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है अगर है तो वो एक ट्रांसीटिव वर्ब है और अगर नहीं है तो इन ट्रांसीटिव तो वर्ब है लेकिन अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है ये हम लोग एग्जाम्पल से आगे जाके सीखते हैं अभी हम लोग बेसिक लेते हैं अबाउट इन ट्रांसटिव वर्ब्स Verbs. I mean, इसको भी एक लाइन में करते हैं. Verbs. ऐसे verbs किसी की नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं तो जो ट्रांसलेटि होते हैं वो वर्ब को ऑब्जेक्ट के बिना अगर वो सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बिना तो वो सेंटेंस मीनिंगस लगेगा ज्यादा मीनिंग नहीं होगा उसका बट जो इन ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उन्हें अपने वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती वो फिर भी उनका सेंटेंस मीनिंगफुल लगता है जैसे कि डॉग्स बार्क अभी जो सेंटेंस है जिसमें डॉग्स बार्क में से बार्क इज वर्ब एंड डॉग्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है याद रखना डॉग्स आर सब्जेक्ट तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं वो हमारे वर्ब का तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो उसके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये सेंटेंस का एक अपने आप मतलब बनता है ऑलराइट राइट आई होप डरस्टेंडिंग वॉट आर ट्रांसिटिव एंड्रांसि वर्ब्स अब ये यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन इन वर्ब्स की टेबल दी है हियर इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन एंड्रांसिटिव वर्ब्स जैसे कि टू एग्री टू प्ले टू रन टू वॉक टू ईट कैन ऑल्सो बी ट्रांसटिव एग्जाम्पल टू एग्री अ पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे देखो यहाँ पर जो मैंने इंट्रांसटिव वर्ब्स के जो कॉलम देखो अच्छे से टू अग्री हाँ अब इसमें इसे हम लोग दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसटिव एग्जाम्पल टू अग्री अ पॉइंट यहाँ पर अग्री के लिए ऑब्जेक्ट है पॉइंट टू प्ले दिस इज अट इंट्रांसटिव वर्ब कैन ऑल्सो बी ट्रांसीटिव टू प्ले अ ट्यून मतलब जो भी वर्ब्स होते हैं उन वो ट्रांसलेटिव तब बनते हैं जब एक पर्टिकुलर सेंटेंस में उनके लिए कोई ऑब्जेक्ट आता है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोई भी ऐसे हाँ अभी ऐसे याद कर लो कि हाँ 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 ये वर्ब्स ट्रांसलेटिव होते हैं ये इंट्रांसलेटिव होते हैं जैसे कि आप याद कर लो कि टू प्ले इज़ इंट्रांसिव इंट्रांटिव ऐसा नहीं है आपको सेंटेंस देख कर आपको पता चलेगा टू प्ले ट्रांसलेटिव भी हो सकता है कोई जगह पे वो इंट्रांसटिव भी हो सकता है दैट इज़ अ सिचुएशन मतलब अगर कोई सेंटेंस में उसके पास ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसटिव है बट अगर कोई सेंटेंस में वो इस, उस तरह मीनिंग आ रहा है कि वो उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी वो मीनिंग बता रहा है तो वो इन ट्रांसिटिव है सो ऐसा ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते कि अब याद कर लो कि हाँ ये ये वर्ब्स सब ट्रांसलेटिव और ये ये सारे इन ये आपको आइडेंटिफाई करने आना पड़ेगा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ऑल right. अब इंट्रांसटिव वर्ब्स कुछ कॉमन मैंने आपको बताया टू एग्री टू प्ले के बारे में बताया अब टू रन इट कैन बी ऑल्सो ट्रांसटिव एज एग्जाम्पल टू रन अ माइल देन टू वॉक कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटि एग्जाम्पल टू वॉक द डॉग देन इंट्रांसटिव वर्ब टू ईट कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटिव एग्जाम्पल टू ईट अ केक सो इस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रांसिटिव और इनट्रांसटिव वर्ब्स हैं होते हैं वो हमें सेंटेंस के हिसाब से उसे आइडेंटिफाई या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप उसे याद कर लो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एक सेंटेंस में क्या सिचुएशन हो वो वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो या नो ना हो ये हम सेंटेंस के ऊपर ही देख सकते हैं आई होप डैट यू अंडरस्टैंडिंग नॉलेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसेटिव वर्ब्स और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ट्रांसलेटिव वर्ब्स को आ, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और मेनली आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको उसका ऑब्जेक्ट भी लिखना होता है बट आपको ऑब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई करना ही होगा तभी तो आपको मानू पड़ेगा कि वो ट्रांसीटिव है या इन है और right? फिर सबसे पहले एक पॉइंट है यहाँ पर जो आपको याद रखना है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एंड ट्रांसलेटिवेटिव वर्ब्स इज इजी टू मास्टर वंस यू नो द बेसिक्स टू मेक श्योर यू नो द डिफरेंस लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स इन अ सेंटेंस द वर्ब्स इज बोल्ड एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अंडरलाइंड इन ईच सेंटेंस और राइट सो यहाँ पर ट्रांसलेटि वर्ब्स मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में जो बोल्ड uh, पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है और जो एग्जांपल्स फर्स्ट पहला एग्जांपल है एलेक्सेंट अ सेंट इज़ द अर्जेंटीनाज वर्ब जो बोल्ड पार्ट में है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो अंडरलाइन किया गया है ऑलराइट सो सेंट पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्जेंटीना अब ये सेंटेंस में आप देख सकते हो सेंट इज दर्ब बरबर अब सेंड का क्या क्या सेंड किया ये उसी सेंटेंस में मैं पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्जेंटीना सो पोस्ट कार्ड इज दिस वर्ब विच इज प्रेजेंट सो दिस सेंटेंस सॉरी दिस वर्ब इज अ वर्ब शी लेफ्ट द कीज़ ऑन नाउ लेफ्ट बराबर ये यहाँ पर वर्ब है अब लेफ्ट और लेफ्ट के लिए क्या ऑब्जेक्ट वॉट शी लेफ्ट की ऑन द टेबल So you got the object, and now when object is there, you can directly write, uh, write that it's a transitive verb. One more example. Let's see. My father took me to the movies for my birthday. So here you can see that took is the verb, and me here is the object. Took. Kisko leke gaye? Kisko saad leke gaye? मी यानी कि मुझे तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट हूँ ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ऐसा मत समझो यहाँ पर आपको सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है तो यहाँ पर देखिए माय फादर टुक मी टू दी मूवीज़ फॉर माय बर्थडे अब ये मत समझ रहे कि बर्थडे ऑब्जेक्ट है या फिर मूवीज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्यों क्योंकि टुक टुक कुक कौन ज़्यादा बता रहा है मैं और इजीली आपको एक्सप्लेन करता हूँ माई फादर टुक मी टू द मूवीज़ फॉर माई बर्थडे ना टुक मीन्स हेयर इट इज़ अ वर्ब वो ले के गए मुझे म, मेरे पापा मुझे लेके गए फॉर मुझे मूवी दिखाने के लिए मेरे बर्थडे के दिन हाँ इस सेंटेंस को हम लोग ने हिंदी में ट्रांसलेट किया अब जब यहाँ पर मेरे पापा किसे लेके गए मुझे लेके गए तो वो सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमें उसका ऑब्जेक्ट वही होगा जो उसके बारे में बता रहा है टुक हुम डिड ही टुक मी आर यू अंडरस्टैंडिंग हम लोग जब ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है तब हम लोग वॉट और हुम क्वेश्चन फाइंड आउट पूछते हैं समझ में ना जब सेंटेंस में अगर हम जो वर्ब है उसके लिए वॉट और हुम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आंसर आ रहा है

so we ask the questions what and whom and this is a very easy trick to find out that the verb has object or not i hope that you are understanding that what i want to say okay uh, trick is what whom example one more i am giving the teacher punished soham all right i went with my sister the teacher punished soham

How? No. Only what and whom. The jerry gave its verdict. What did the jerry give? Verdict. Alright. A transitive verb is a verb which has an object and the action passes from the subject to the object. Remember this point. Okay. Now, one more uh, example. Let's see. Please buy me a dog. Buy is the verb. Dog is the object because what what buy me what do you what you bought for me so okay is the object here next one mina hit joy when the teacher turned hit is the verb joy here it is a name of a person so whom did mina hit hit verb whom did mina hit joy we are getting the answer and it is the object now

so what did the grandpa loaded so answer hume aata dishwasher therefore for the verb loaded dishwasher is the object and therefore loaded is a transitive verb the cat ate the mouse before we could stop her the cat ate ate here is the verb and the mouse is the object now what did the cat eat now you are getting the answer for the question what so therefore the uh, cat, uh, sorry, eight verb is a transitive verb. So, here I have given you 10 examples with whom and what questions are arising from it. So, how much whom or what he? No, any other questions. Who, uh, when, how, this all you don't try also. Only whom and what. If you don't get the answer with whom and what, you understand that it's not a transitive verb.

यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब क्या है ईट्स है और आप हुम नहीं डाल सकती हु ईट्स एट सेवन पी दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमें वर्ब से रिलेटेड पोज करना है क्वेश्चन so, so, तो ईट्स सो मीता ईट्स एट सेवन पी व्हेन डू मीता ईट्स ये हमें वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है बट व्हेन नहीं चलेगा हुम एंड वॉट ओनली आर यू अंडरस्टैंडिंग तो वेन जब भी जब फॉर्म होगा तब वो इंट्रांसिटिव वर्ब है

object that receives the action the direct object answers the question what or whom and without the use of a direct object the sentence would make no sense so are you understanding what i want to say transitive verbs may have a direct object hoga to sentence will make no sense that's why they need trans uh, objects therefore they are called as transitive verbs are you understanding so in each of the examples that we saw the subject performs an action

ओके okay? तो so, हमारा ये था कुछ सेंटेंस एलेक्स सेंट प पोस्ट कार्ड फ्राम अर्जेंटीना एलेक्स सेंट वॉट अ पोस्ट कार्ड आर यू अंडरस्टैंड वॉट आई वन यू से सो अगेन लेट्स सी हियर यू हैव सीन ऑल दिस एग्जाम्पल्स एंड दिस ऑल देन नेक्स्ट वन इज शी लेफ्ट वॉट द कीस आपको सेंटेंस याद है ऑल राइट माई फादर टुक होम होम मी बाई वॉट अ डॉग सो ये सब हमने अभी भी जो पहले चार सेंटेंसेस देखे उसी के बारे में है ऑल राइट right? तो ये देखिए यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस है शी लेफ्ट द कीस ऑन द टेबल सो शी लेफ्ट वॉट कीज हमें आंसर मिला माई फादर टुक मी टू द मूवीज फॉर माई बर्थडे होम डिड माई फादर टुक मी प्लीज बाय मी अ डॉग वॉट वॉट बाय मी सो दिस आर द क्वेश्चन ये हमने मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है ओके एडिशनली वर्ब्स कैन हैव एन इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक प्लीज बाय मी अ डॉग द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी इज राइट बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ डॉग सो एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं आई यू अंडरस्टैंडिंग कि अ वर्ब कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स सम सेंटेंस हैव टू ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर प्लीज बाय मी डॉग सो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट है वो डॉग है बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वॉट हेयर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी बाय किसके लिए फॉर होम मी एंड बाय वॉट अ डॉग सो दिस इज आंसरिंग बोथ क्वेश्चन वॉट एंड होम तो यहाँ पर आप डॉग भी लिखोगे तो आंसर आपका करेक्ट है और मी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट पूछा तो ये ट्रांसलेटिव तो है दोनों दो दो ऑब्जेक्ट्स दो तो तो ऑब्वियसली ट्रांसलेटिव होगा बट अगर आपको ऑब्जेक्ट भी पूछा तो आप मी या फिर डॉग में से कोई भी लिखो तो करेक्ट है क्यों क्योंकि देखो मी यहाँ पर है हुम क्वेश्चन पूछने पे आंसर मिल रहा है वो भी बाय यानी कि वर्ब को कंसिडर करके और वर्ड क्वेश्चन को पूछोगे बाय को लेकर तभी भी आपको आंसर मिल रहा है दूसरा अ डॉग सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस के दो ट्रांसलेटिव वर्ब सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं एक वर्ब के So, ये बात आपको याद रखनी है अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इन वर्ब्स के बारे में ये देखिए बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं पहला देखिए द कैट द कैट पुरस द कैट पुरस यहां पर आप देख सकते हैं हुम और वॉट ये बिल्कुल काम नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं कर सकते द कैट पुरस वॉट the cat कैटपूज इसके लिए कोई आंसर है आपके पास यहाँ पर नहीं है ऑल राइट सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्योंकि द कैट पूज ये सेंटेंस से हम लोग को हमारे मीनिंग में इसका मीनिंग समझ में आ रहा है हमारे माइंड में हमें इसका मीनिंग समझ में आ रहा है इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है दैट्स व्हाई इट इज़ एन इंट्रांसेटिव वर्ब

सो नेक्स्ट एग्जाम्पल था द हॉर्स रनस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हॉर्स द हॉर्स रन दिस सेंटेंस इज ओनली मीनिंग मेकिंग अ मीनिंग फॉर इट सेल्फ वो अपने आप को मीनिंग दे रहा है द हॉर्स रनस और इसे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है वर् हमें मीनिंग दे पा रहा है इसलिए ये इंट्रांटिव है और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉट और हुम से वॉट द हॉर्स रनस हुम द हॉर्स रन ऐसा कुछ क्वेश्चन फॉर्म भी बराबर नहीं हो रहा और उसका आपको आंसर में तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं मिल रहा ओके okay? यहाँ पर आप हॉर्स को ऑब्जेक्ट मत लेना क्योंकि वो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन उसके लिए आंसर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट अगर आप सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट समझोगे तो रॉन्ग है आपका द चिल्ड्रेन लाफ्ट हार्टिली द चिल्ड्रेन इज द सब्जेक्ट याद रखो लाफ्ट वर्ब हार्टिली इज एड हाँ अगर आप क्वेश्चन फॉर्म करना चाहते हो वर्ब को लेकर तो आप ऐसे बन सकते हो हाउ डिड द चिल्ड्रेन लाफ्ट बट इट्स नॉट द विथ आपने वॉट और होम नहीं यूज़ किया तो देर फो इट्स नॉट अ ट्रांसटिव वर्क आप हाउ से कर सकते हो बट वॉट और होम से अगर आप करो और आपको आंसर मिले तभी वो एक ट्रांसटिव है आर यू अंडरस्टैंडिंग आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फिफ्थ वन इज द स्टीम सेल्स एट नून सो यू द स्टीमर इज दब्जेक्ट सेल्स इज दर्क एट नून इज नॉट द ऑब्जेक्ट बिकॉज इफ यू पॉइंट फ्रेम द क्वेश्चन वॉट और होम यू विल नॉट गोट द आंसर और आपको समझ में आ भी रहा है कि अगर कोई इंट्रांसटिव वर्ब है तो वो विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज मीनिंगफुल एवरी सिंगल पर्सन वोटेड नाउ वोटेड इज दर्ब एवरी सिंगल पर्सन इज दब्जेक्ट अब इससे एक पूरा सेंटेंस बनता है वो मीनिंगफुल भी है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है भी नहीं तो ये हो जाता है इंट्रांसटिव वर्ब द जैक डॉस रूज इन दीज ट्रीज द जैक डॉस सब्जेक्ट रोज इन दीज ट्रीज तो so, यहाँ पर भी आप देख सकते हो वॉट और होम आप फॉर्म नहीं कर पाओगे आप वेर से फॉर्म कर सकते हो वेर द जैक जैगडो रूस्ट बट दिस इज नॉट नॉट द करेक्ट बिकॉज हमने वॉट और होम से फॉर्म करेंगे और आंसर ऑब्जेक्ट आया तो ही वो वर्ब ट्रांसटिव है सो दिस इज अगेन इंट्रांसटिव वर्ब द क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड दिएटर इन दिस एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेटेड इज एन इंट्रांसटिव वर्ब हाउ ए डिमोन्स्ट्रेटेड कैन भी यूज ट्रांसलेटिवली टू एग्जाम्पल ही डिमोन्स्ट्रेटेड अ कराटे चॉप टू द्लास सो ही डिमोन्स्ट्रेटेड अ कराटे चॉप टू द्लास टू हूम डिड ही डिमोन्स्ट्रेटेड अ कराटे चॉप या फिर ऐसे भी क्लास या फिर ऐसे भी है कि वीड ही डिमोन्स्ट्रेटेड सो कर आ यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के लिए सो आप ही द क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटर आउट साइड द थिएटर इसी वर्ब डिमॉन्स्ट्रेटर को लेकर हम उसे ट्रांसलेटिव भी बना सकते हैं तो so, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया जो एक वर्ब ट्रांसलेटिव भी हो सकता है एंड भी हो सकता है विच इज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल्स आल्सो अब थोड़ा आगे जाते हैं ट्रांसीटिव एंड्रांसिवर्ब साथ में देखते हैं अभी दो सेंटेंस जो ट्रांसलेटिव भी है और इंट्रांसटिव भी है मतलब वर्ब सेंटेंस की बात नहीं कर रहे ये कोई ट्रांसलेटिटेंस इंट्रांसटिव सेंटेंस नहीं है यहाँ पर वर्ब्स के टाइप से तो याद रखो अ वर्ब कैन ऑफन बी बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज इन अन्टेंस जैसे कि मैंने आपको बोला था सी अ फ्यू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट दिस माइट लुक लाइक

Delia walked the dog to the park. Walked is the verb. Whom did Delia walk to the park? The dog. We are getting the answer, the object. Therefore, it's transitive. To get to the show, she walked. So, here, walked is the verb, but here, there is no object. Therefore, it's intransitive. So, here, the same verb, walked, can be used as transitive and intransitive verb. Let's see some more examples mia cheered the team on to victory transitive because cheered is the verb and team is the object we can form the question whom did the mia cheered its answer is the team then second is at the concert they cheered okay so here you cannot form the question with what and whom so therefore here it's intransitive so the same verb cheered can be used again as transitive and intransitive

and transitive, in, sorry, an intransitive verb does not take a direct object. here's a bit more on what that means. he laughed. laughed is an intransitive verb. it has no direct object. you cannot laugh something. he told a joke. told is a transitive verb. the direct object is a joke. you can tell something. for example, you can tell a story, a lie, a joke. एक्सेट्रा सो so, अब समझ में आ रहा है मैं ये सेंटेंस क्या मतलब समझ रहा कि एक ट्रांसिटिव वर्ब का कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता आपके तो कुछ भी कर लो हियर्स अ बिट मोर ऑन व्हाट दिस मींस ही लाफ्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं अब लाफ्ड जो वर्ब है इसका क्या यू कैन नॉट से दैट इट एज नो डायरेक्ट जो यू कैनोट लाव समथिंग समझे यू कैनोट लाव समथिंग ही लाफ्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है वो हंसा बट आप को, कोई चीज पे हंस नहीं सकते हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो उस पर आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हो यू नॉट लाव समथिंग ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक दैट कि आप uh, अगर इस सेंटेंस में आप देखते हो कि ही लाफ्ट तो आपके कुछ लाफ कर सकते हो यू कैन ऑन समथिंग लाइक दैट वे यू कैन लाव समथिंग नहीं ना ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है दैट्स नॉट मीनिंगफुल तो so he laughed का मीनिंग हमको ऐसे समझ में आ रहा है, it's meaningful because it's an intransitive verb. He told a joke. अब ये देखो, remember told is a transitive verb. The direct object. What did he told? Joke. So you can tell something. For example, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आप कॉमन सेंस समझो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा possible है कि नहीं. Remember that you can find the direct object of a verb by reading the verb and then asking what or whom. समझ में ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट देन यू आर प्रोबेबली डीलिंग विद एन इंसानसिटिव वर्ब अगर वॉट और होम अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप दूसरा कोई ट्राई मत करो वेन हाउ ये सब ट्राई मत करो यू डायरेक्टली राइट इट एज इट्स एन इंसानसिटिव वर्ब ये याद रखना फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स शेडेड ही कॉट द बस आफ्टर द पार्टी कॉट बराबर सो ही कॉट द बस आफ्टर द पार्टी वर्ब यहाँ पर अगर आप देखोटिवर्ब बॉट so, के लिए हमें आंसर मिला जो कि ऑब्जेक्ट है इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वन ही डिसजेंट मेक सेंस अगर हम डिस को आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वॉट डिसअेड वॉट आपको कुछ आंसर मिल रहा है नहीं ना आप समझ में आ रहा है अगर आप ऐसे पूछो कि डिसअपेड वेन तो आपको आंसर मिलेगा आफ्टर दी पार्टी बट वेन और वेन और दूसरे क्वेश्चन सब कुछ चाहिए ही नहीं हम सिर्फ वॉट और होम वालों का कंसिडर करेंगे सो डिसेड वॉट यहाँ पर कुछ आंसर है मिले दैट डजेंट मेक सेंस यू कैन यू कान डिसअपे समथिंग दिस इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब इट कान टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट so i hope that you understood what i explained to you now let's finish this with an exercise so that you get an idea how questions will come state whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive this way a question will come first one is she advised me to consult a doctor here advised is the verb so what did she advised me sorry uh, whom did she advised so here it's a transitive verb because you are getting the answer. But let's invite your cousins as well. Yeah, but invite is the verb and your cousins as well. Here. Let's invite whom? Your cousins. So this is again transitive verb. I waited for an hour. Waited. Here this is the verb. For an hour.

since he got married so is kill up when question form but that's not valid here therefore it's an intransitive verb suddenly the child woke up suddenly the child woke up here the ver verb is woke so here if you ask what woke you cannot get an answer all right so these questions 7 8 9 10 i want the answers from you in the comment section so I hope that you can solve it. According to my explanation, you can solve that. So, thank you. We finished our topic transitive and intransitive verbs here only. If you like this video and if you understood, then do subscribe my channel and also like this video. And also press the bell again button so that you get the notification when we upload a new video.